आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट द एक्सप्रेशन दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5। तो हमें चेक करने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब डेफिनेटली ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला या तो अपवर्ड होगा, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड कब होगा? अपवर्ड होगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगी? जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जो कि अभी हमें पता नहीं है। बट हमें इसने ये दे दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होगा बेसिकली। कब? जब x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 5 लेने वाले हो। अब देखो, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है ना, x की वैल्यू कैसे है? ग्रेटर देन 5 है तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए। बट इस वाले फॉर्मूला में अगर x की वैल्यू आप ग्रेटर देन, देखो इधर इधर ही आएगी ग्रेटर देन 5, यहीं कहीं 5 से बड़े नंबर आएंगे, तो उसमें ये नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, यानी ये पैराबोला हमारा डिस्कार्ड हो गया, हम नहीं ले सकते। तो इससे एक बात तो पक्की हो गई कि ये पैराबोला होगा, यानी a की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। अब दूसरी चीज चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, सपोज ये एफ एक्स हुआ, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी। ठीक है, अब हमें इसको भी तो कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। इसको कैसा रखना है? डेरिवेटिव को पॉजिटिव रखना है। तो हमारा a तो ऑलरेडी नेगेटिव है, a कैसा है? नेगेटिव है। तो क्या b की वैल्यू इसको पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर पाएगी? नहीं कर सकती, क्योंकि a तो नेगेटिव हो गया। अब b पॉजिटिव भी हो सकता है ना, और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि a की वैल्यू है और ये x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 5 है, तो ये दोनों तरफ से। तो b की वैल्यू यहां से क्या है? कोई फिक्स नहीं है। तो b मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, तो b हमारा पॉजिटिव भी होता है और मे बी नेगेटिव, मे बी नॉट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा b क्या हो जाता है? b मे बी नेगेटिव, हमारा ये नेगेटिव भी हो सकता है और मे नॉट बी, मे नॉट बी। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो यानी b। अब आते हैं c की कंडीशन पे। ठीक है, तो c जो है, अब हमें पता है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0। अब देखो, b की वैल्यू हमें पता नहीं है कि कैसे होने वाली है। ठीक है, a की वैल्यू बस पता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, और b की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा ये जो हो सकता है, ये जो वैल्यू होगी बेसिकली, ये भी हम नहीं बता सकते ना कि ये, जैसे इन्होंने ऑप्शन में दिया है कि सी ग्रेटर देन 5, बट यहाँ से हमारी कोई कंफर्मेशन तो आ नहीं रही है कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी भी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमारा देखिए, एक ऑप्शन तो ट्रू हो गया कि ए इज ग्रेटर देन 0, बट बी मे और मे नॉट बी नेगेटिव। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, बी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, और ये वाले। अब लास्ट बचा कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ठीक है, अगर इक्वल रूट्स होते हैं हमारे, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं इक्वेशन के? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होने चाहिए। अब सिर्फ ए की वैल्यू क्या पता है कि नेगेटिव है। ठीक है, ए की वैल्यू नेगेटिव है और बी की वैल्यू कुछ डिटरमाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि ये नेगेटिव है और बी की वैल्यू कुछ नहीं पता आपको नेगेटिव है या नहीं, तो फिर ये डेफिनेटली जीरो तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी सी की वैल्यू भी कैसे आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, और बी की वैल्यू को आपको पता नहीं है, तो ये डेफिनेटली जीरो तो होगा नहीं। तो यानी इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स भी नहीं होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सिर्फ ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।